फैमिली वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? ये बढ़िया। ये हम दोनों का आज का लुक है। सो गाइस कैसे लग रहे हैं हम दोनों? सो गाइस आज है मंडे और मंडे के मेरे हबी की छुट्टी होती है, तो मेरे लिए सिर्फ मंडे का ही दिन होता है घर से बाहर जाने का टाइम। मंडे गई तो गई, नहीं तो बस घर में बैठे रहो। तो आज हमने प्लान बनाया है कहीं बाहर जाने का। सो जा रहे हैं, देखते कहाँ जा रहे हैं। हमें पता तो चल गया कि कहाँ जा रहे हैं, लेट भी हो गए डिसाइड करने के चक्कर में, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। सो जाते हैं हम, अब आप लोगों के साथ न्यू व्लॉग में मिलते हैं, दिखाते हैं न्यू लोकेशन पर हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने। कहाँ जा रहे हैं, कैसा लोकेशन है, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस लोकेशन पर, मैं भी कभी गई नहीं हूँ, बस सुना है। फिर मिलते हैं आपके साथ। यहाँ पर हम राजेंद्र पैलेस के मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके थे और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया टिकट्स जो कि 30 रुपीज पर पर्सन है। उसके बाद फाइनली जो हमारी मेट्रो थी आ चुके थे, इसके बाद हम मेट्रो में बैठ गए। हमें जाना था जोरबाद, जोरबाद जाने के लिए जो हमें मेट्रो है ना, हमें मेट्रो दो बार चेंज करना था। तो पहला तो हमने राजेंद्र पैलेस से हमने जो है राजीव चौक कर लिया, राजीव चौक से फिर हमें दूसरा मेट्रो लेकर जोरबाग जाना था। ये यहाँ पर पब्लिक कितनी ज्यादा है ना, यहाँ पर आप देख के समझ गए होगे कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी ज्यादा पब्लिक है। तो अब हमें राजीव चौक से हमें जाना था जोरबाग, हमारा जो दूसरा मेट्रो है जोरबाग जाने वाला वो भी आ चुका है, हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है जो हमारा है जोरबाग का है, और जो हम जिस मेट्रो में बैठे हुए ना राजीव चौक जोरबाग जाने के लिए, तो ये अंडरग्राउंड में बना हुआ है मेट्रो। सो फाइनली हम यहाँ से जोरबाग पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, शायद आई थिंक आप लोगों को नहीं मालूम है कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारा लोकेशन कहाँ का है। देख सकते हैं जो मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, यहाँ पर पब्लिक की नजर नहीं आ रही है, एक आधी कहीं कहीं है, यहाँ पर जोरबाग में भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पर मैं चल रही थी लिफ्ट, तो जो मेरे हबी ने यहाँ पर मेरी वीडियोज बना ली, कह रही कि तुम आगे चलो मैं तुम्हारी वीडियोज बनाता हूँ। तो यहाँ पर पीछे जो है एक मेरे देवर है, वो थे मेरे हबी थे, हम तीनों ही जा रहे थे। आइए, आपका स्वागत है। रात्रि 8 बजे तक, रात्रि 8 बजे तक यहीं रहना है। इधर देखिए, और सामने चेतावनी भी मिला हुआ है। टाइमिंग दिखा दो क्या टाइमिंग, रात सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो गाइस लोकेशन देख के आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ दिल्ली के लोधी गार्डन, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, यहाँ पर मैं कभी भी नहीं आई थी। दिल्ली वाले तो लोधी गार्डन के बारे में जानते ही होंगे। तो ये है लोधी गार्डन का मकबरा, यहाँ पर दो मकबरे हैं। तो यहाँ पर पहले तो ये किए है, इसे एक बैक साइड में है, इसे एक पीछे है, दो मकबरे हैं यहाँ पर। यहाँ की स्टोरी क्या है मकबरे की मुझे नहीं मालूम, यहाँ की स्टोरी वगैरह क्या है नहीं। यहाँ पे आए हुए हैं लोधी गार्डन, ब्लॉग ब्लॉग बनाने हैं, ये ब्लॉग बनाएगी हुई। ये जो दिल्ली का लोधी गार्डन है ना, बहुत 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 बड़ा है। यहाँ पर तो हम ना क्या कहे कि ना आधा से भी आधा हम यहाँ पर घूमे नहीं, बस गए ऐसे, हम घर से ना लेट से गए थे, तो यहाँ पर गए और वीडियो शूट करके थोड़ी बहुत वीडियोस बना के ब्लॉग के लिए हम वापस आ गए। कहते ना बहुत बड़ा, इतना हम ना घूम भी नहीं पाएंगे और थक भी जाएंगे। इसका तो हमने बहुत ज्यादा थोड़ा घुमा था, यहाँ पर काफी अच्छे पता नहीं क्या झील तालाब वगैरह भी हम कहीं भी नहीं गए, बस हम मकबरे के पास गए थे, वहां से हमने वीडियो शूट करके वापस घर पर आ गए। टाइमिंग तो आप लोगों को बता दी गई, सुबह 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक यहाँ की टाइमिंग है।
काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग थे यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए, एंड यहाँ पर कपल्स भी आते हैं अपने फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह करने। काफी लोग यहाँ पर शाम होते ही ना, काफी शाम होते तो घर पर वापस आ रहे थे, शाम होते काफी लोग जहाँ आसपास के एरिया में रहते हैं ना वॉक करने शाम को टहलने आ रहे थे, वो तो वहाँ पर शाम को ना इतना अच्छा इतना सुनहरा मौसम हो गया था ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर। हम देख सकते तो कितनी ज्यादा ग्रीनरी है, पूरा ना जंगल जैसा है, काफी अच्छा सा लग रहा था यहाँ पर। और यहाँ से हम जा रहे थे मेन गेट, और मेन गेट से मैंने आपको यहाँ से जूम करके दिखाया है कैसा लग रहा है। यहाँ से हम बाहर के रास्ते में जा रहे हैं, हमारी जो वीडियो शूट वगैरह थी हो चुकी थी और हम यहाँ से जा रहे थे घर। यहाँ पर चेतावनी दी गई थी और यहाँ पर हम आ चुके हैं मेन गेट पर। कभी हम आएंगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से इसका व्लॉग दिखाएंगे, अभी तो हम खुद पुरानी घूमे हैं। यहाँ से हमने आपको देखो जूम करके दिखाया कितना अच्छे से मकबरा दिख रहा है। ये है लोधी गार्डन, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, दिल्ली वाले यहाँ पे जरूर आना वीडियो शूट करने। और इसके बाद हमने यहाँ से ऑटो लिया चले गए अपने अपने घर।